गैज़, अगर आप लोग काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं अपनी बॉडी बनाने की, मस्कुलर बॉडी बनाने की, या फिर फैट लॉस करने की, वेट गेन करने की, बट फिर भी आपकी बॉडी नहीं बन रही, क्योंकि आप लोग ये पांच ऐसी गलतियां करते हैं जिनके कारण आपकी बॉडी नहीं बनेगी। तो अगर आप लोग अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो आए हैं। सो हे गैज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गैज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी वो पाँच ऐसी गलतियाँ जो कि आप लोग करते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी नहीं बनती। तो चलिए गैज, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गैज, सबसे पहली गलती आप लोग पता क्या करते हैं, सडनली जाके एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज खत्म होने के बाद सीधा घर चले जाते हैं या फिर रेस्ट करने लगते हैं। बट आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले आपको वार्म अप करना है, अपनी बॉडी को गर्म करना है। बेसिक सी एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि वार्म अप के लिए की जाती हैं। सबसे पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करें, देन उसके बाद वर्कआउट करने के लिए आए। वर्कआउट खत्म होने के बाद आप लोगों को कूल डाउन पीरियड परफॉर्म करना है। कहने का मतलब ये सिमिलर ही होता है जैसे आपका वार्म अप होता है। जैसे ही आपका वर्कआउट खत्म होगा उसके बाद आपको हल्के मुल्के जो कि वार्म अप के अंदर आप लोगों ने सेट परफॉर्म किए हैं वही सेट आपको लास्ट में परफॉर्म करने हैं और अपनी बॉडी को स्लोली स्लोली कूल डाउन करना होता है। अगर आप लोग सडनली बैठ जाएंगे या फिर रेस्ट करने लगेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे इंजरी के चांसेस हो सकते हैं या फिर ब्लड प्रेशर जैसी आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। तो आप लोगों को सबसे पहले वार्म अप करना है वर्कआउट शुरू करने से पहले, और वर्कआउट ख़त्म करने के बाद आप लोगों को कूल डाउन पीरियड के अंदर रहना है, अपनी बॉडी को धीरे धीरे ठंडा करना है। दूसरी सबसे बड़ी गलती बिगिनर और इंटरमीडिएट जरूर करते हैं, सडनली जाके वर्कआउट शुरू कर देते हैं, वो अपनी बेसिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं करते। सबसे बेसिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, आपके पुशअप्स और आपके पुलअप्स एंड आपके स्क्वाट्स। अगर आप लोग ये तीन बेसिक पुलअप्स, पुशअप और स्क्वाट नहीं करते हैं तो आप लोग कभी भी अपनी बॉडी नहीं बना सकते। तो आपको बेसिक वर्कआउट जरूर करना चाहिए अगर आप लोग बॉडी बनाना चाहते हैं। गाइस, तीसरी सबसे बड़ी गलती आप लोग पता क्या करते हैं, प्री वर्कआउट मील नहीं लेते या फिर पोस्ट वर्कआउट मील नहीं लेते। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप लोगों की बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी कहाँ से आएगी, प्री वर्कआउट मील लेने से। तो आपके प्री वर्कआउट मील के अंदर ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए जो कि आप लोगों को एनर्जी देगी ताकि आप लोग अच्छे तरीके से वर्कआउट कर सकें। बहुत सारे लोग प्री वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं लेते, तो आप लोगों को प्री वर्कआउट मील जरूर लेना है, और वर्कआउट ख़त्म करने के बाद आप लोगों को पोस्ट वर्कआउट मील भी जरूर लेना चाहिए जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम से कम 30 ग्राम होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपका हाई प्रोटीन होना चाहिए। एंड स्पेशली बहुत सारे लोग फैट्स नहीं लेते, तो यार फैट्स भी आपको जरूर लेना है अगर आप लोग अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करना चाहते हैं या फिर मस्कुलर बॉडी बनाना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं या फिर वेट लॉस करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को यही दिक्कत रहती है कि वो लोग सीधा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ही लेते हैं। गाइज, आपको फैट लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जो कि आप लोगों के मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करती है। तो इन दो चीज़ों को आप लोगों को कभी भी इग्नोर नहीं करना है अगर आप लोग अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं। चौथी सबसे बड़ी गलती आप लोग पता क्या करते हैं, रेस्ट प्रॉपर नहीं करते। जैसे ही आप लोग बेड पे लेटते हैं आपके हाथ में मोबाइल, आप लोग चैटिंग करना शुरू कर देते हैं, उसके साथ साथ पता नहीं क्या देखते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, और साथ ही साथ आप लोगों की रेस्ट कभी भी प्रॉपर नहीं हो पाती, मतलब कि पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की रिकवरी नहीं होती है। तो अगर आप लोगों को अपनी बॉडी अच्छी बनानी है या फिर फैट लॉस करना है, वेट गेन करना है, कुछ भी करना है भाई, अच्छी बॉडी अचीव करनी है, तो आप लोगों को प्रॉपर रेस्ट करनी है कम से कम 8 घंटे की। अगर आप लोग मोबाइल चलाते रहेंगे तो यार बस मोबाइल के अंदर ज़िंदगी निकल जाएगी। तो इसलिए यार इसको इग्नोर करें और रेस्ट प्रॉपर करें। गैस, पांचवी सबसे बड़ी गलती जंक फूड। मैंने देखा बहुत सारे लोग ना वर्कआउट करके ना भाई जंक फूड खाने के लिए चले जाते हैं, समोसे पेल रहे हैं, बर्गर पेल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं यार, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो इसलिए यार जंक फूड को अवॉइड करें, उसकी जगह कोई हेल्दी चीज़ खा लें, वो आपकी बॉडी की रिकवरी भी करेगी और आपकी बॉडी अच्छी बनाएगी भी। अगर आप लोग जंक फूड खाएंगे तो ओबियसली आपकी बॉडी के अंदर ट्राश जा रहा है, मतलब कि गंदगी जा रही है, और आपकी बॉडी को वो गंदा कर रहा है, ना कि आपकी बॉडी बना रहा है, आपको फैट कर रहा है। तो इसलिए यार जंक फूड से दूर रहें, अच्छी डाइट लें, और जो भी गलतियां मैंने आप लोगों को बताई हैं इनको फॉलो करें, इनको सुधारें, आपकी बॉडी जरूर बनेगी, चाहे आप लोग घर पे वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे आप लोग जिम के अंदर वर्कआउट कर रहे हैं। तो गाइस, यही थी मेरी आज की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कमेंट कर देना, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को क्या करना है, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। इसी तरह आपको और भी वीडियोज मिलती रहेंगी जो कि आप लोगों की बॉडी बनाने में और साथ ही साथ नॉलेज बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चले गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय। We'll be right back.